Assalamu alaikum wa rahmatullah. Friends, this is Ramzan and you are watching English with Ramzan. Aaj hum models ke is part 11 video lecture mein semi models mein se ek model dare ke bare mein baat karenge. Friends, dare ka use kaise kaise hota hai is silsile mein hamari guftugu hogi. To friends, bina kisi dheri ke chaliye start karte hain. Friends, ye jo dare hai iska matlab hota hai kisi kaam ko karne ki himmat karna ya himmat rakhna. Theek, इस डेयर का यूज़ हम दो तरीके से कर सकते हैं. इस डेयर का यूज़ दो तरीके से किया जा सकता है. एक तरीका एज अ सेमी मॉडल, डेयर का यूज़ एज अ सेमी मॉडल. दूसरा यूज़ इसका एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, यानी कि डेयर को हम सेमी मॉडल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर एक ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं. अब अगर डेयर को हम सेमी मॉडल के तौर पर यूज़ करें तो उसके लिए कुछ अलग रूल्स लागू होंगे, और अगर ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर यूज़ करें तो उसके लिए कुछ अलग रूल्स लागू होंगे. चलिए सबको देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि डेयर का यूज़ एज अ सेमी मॉडल. डेयर का यूज़ एज अ सेमी मॉडल हो तो उसके लिए क्या क्या रूल्स है. फ्रेंड्स, उसके लिए रूल्स ये हैं कि डेयर का यूज़ जब एज अ सेमी मॉडल होगा उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से एस इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, यानी डेयर के आखिर में एस नहीं लगेगा. दूसरी बात यह है कि डेयर का यूज़ जब एज अ सेमी मॉडल होगा उस डेयर में आपको डू डज वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. और तीसरी बात यह है कि डेयर का यूज़ जब एज अ सेमी मॉडल होगा तो उसमें आपको बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करना है, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है, टू इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं करना है. और चौथी बात ये याद रखिए कि डेयर का यूज़ जब एज अ सेमी मॉडल होता है तो उस डेयर को सिर्फ हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. ठीक, अब चलिए एग्जांपल देखते हैं. नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल, यू डेरेंट टेल हिम द ट्रूथ. आपके पास उसको सच बताने की हिम्मत नहीं है. यह आपका नेगेटिव सेंटेंस है. इसमें डेयर का यूज़ किया गया है एज अ सेमी मॉडल. इसमें डेयर का यूज़ कैसे किया गया है, एज अ सेमी मॉडल, यानी सेमी मॉडल के तौर पर डेयर का यूज़ किया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस इन्फ्लेक्शन नहीं है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डू या डज कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेल का यूज़ किया गया है. टू टेल, टू इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं किया गया बल्कि बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ किया गया है. और चौथी बात मैंने बताया थी कि नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए. ये देखिए, ये आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है. ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेयर का यूज़ हो तो ऐसी सूरत में आपको डू या डज का यूज़ शुरू में नहीं करना है, क्योंकि सेमी मॉडल डेयर में डू डज वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है. ठीक, तो आपको क्या करना है, सिर्फ डेयर को शुरू में लाना है. जैसे डेयर यू टेल हिम द ट्रूथ, क्या आपके पास उसको सच बताने की हिम्मत है. तो यहाँ पे आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सबसे पहले डेयर का यूज़ किया गया है और इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया गया है, टू इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं किया गया है. ठीक, और ये आप देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ठीक, तो ये सारे बातें उस वक्त हो गई जब डेयर का यूज़ एज अ सेमी मॉडल हो. ये सारे बातें उस वक्त हैं जबकि डेयर का यूज़ एज अ सेमी मॉडल हो. और कभी कभी डेयर का यूज़ एज एन ऑर्डिनरी वर्ब होता है, एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, यानी एक मेन वर्ब की तरह भी डेयर का यूज़ होता है. अब जब एक ऑर्डिनरी वर्ब की तरह डेयर का यूज़ होगा तो ऐसी सूरत में एक मेन वर्ब में जो रूल्स लागू होते हैं वही रूल्स इस डेयर में भी लागू होंगे. फ्रेंड्स, आप कम को कैसे यूज़ करते हैं, कम को जो है ना कम के आखिर में एस लगा देते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से. ठीक, और कम को जब नेगेटिव सेंटेंस में बोलते हैं तो डू नॉट डज नॉट का यूज़ करते हैं. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोलते हैं तो डू या डज को शुरू में लाते हैं, लाते कि नहीं. तो ये सारी बातें सब के सब इस डेयर में भी लागू होगी जो डेयर एज एन ऑर्डिनरी वर्ब यूज़ किया जाए. ठीक, अब एग्जांपल देखिए. पहले एग्जांपल है पॉजिटिव सेंटेंस की, ही डेयर्स टू डू इट, उसके पास इस चीज़ को करने की हिम्मत है. ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि डेयर के आखिर में एस इन्फ्लेक्शन हुआ, एस का यूज़ किया गया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से. और यहाँ पे देखिए टू इन्फिनिटिव का यूज़ किया गया, यानी टू डू,
टू डू ये क्या है, टू इन्फिनिटिव, और ऊपर क्या था, सिर्फ बेस फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म था, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, टू इन्फिनिटिव है। अब इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं डू नॉट या डज नॉट के साथ, जैसे ही डज नॉट डेयर टू डू इट, उसके पास ये चीज़ करने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डज नॉट का यूज़ किया, और यहाँ पे अगेन टू इन्फिनिटिव का यूज़ किया हमने। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको शुरू में क्या करना है, डज लाना है या फिर डू लाना है। जैसे डज ही डेयर टू डू इट, क्या उसके पास ये चीज़ करने की हिम्मत है, तो यहाँ पे डज को शुरू में लाया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और यहाँ पे आप सेमी मॉडल में आपने देखा कि यहाँ पे डज का यूज़ नहीं किया गया था बल्कि डेयर का यूज़ किया गया था, ठीक, इस तरीके से डिफरेंस होता है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डज ही नॉट डेयर टू डू इट, क्या उसके पास ये काम करने की हिम्मत नहीं है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने डज को शुरू में लाया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से डेयर में डिफरेंसेस होते हैं। डेयर का यूज़ जब सेमी मॉडल के तौर पर होता है तो उसके साथ वो सारे रूल्स लागू होते हैं जो एक सेमी मॉडल में लागू होते हैं, और डेयर का यूज़ जब एज एन ऑर्डिनरी वर्ब होगा तो उसमें वो सारे रूल्स लागू होंगे जो एक मेन वर्ब में लागू होते हैं। ये बात जहन में रखिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूसरे सेमी मॉडल्स को लेकर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।